दबे पाँव नजरिया बचा के, दबे पाँव नजरिया बचा के। अवधपुरी में राम राज की कहानी है, विधवा धोबिनी ने कर दिया नदानी है। लगा दरबार धोबिनी को वह बुलाए है, सजाए मौत का आदेश वह सुनाए है। लेकिन बहुत गरीब परिवार से हो, मतलब इतना गरीब परिवार से हो कि एकरे लिए ये सब सोच पाए बड़ा मुश्किल हो। हमरा पास खेत बारी घर द्वार कुछ ना बा, यहाँ तक कि घर भी हमार बहन के शादी करे खातिर बिक गइल बा। ये तीन में से आज एक हमार साथ छोड़ के चल रही है। दबे पाँव नजरिया बचा के, दबे पाँव नजरिया बचा के। केवाड़ी के पल्ला, केवाड़ी के पल्ला अगर बंद पैहा, से तू चलत आरू रास्ता से हम फूल बिछावत चलत आरू। तोरा खुश करे खातिर हम कहां कहां से फूल तोड़ गलैनी हो, आ कहा तो तोहार कदम हम जमीन पर ना पड़े दी, अपन हथवा रखा जाए हथवा अपन गोड़वा रखा जा। बाकी एक बे हमार दुलाई बन जा, हमार जीवन संवर जाए। ओहो बतासा, हम तोरा के कहले ना ननु कि हमरा के थोड़ा टाइम दा, इकुल छोट मोट खेल ना, पूरा जिंदगी के सवाल है, हमरा के सोचे के पड़ी, विचारे के पड़ी, घर वालन से पूछे के पड़ी, ऊपर से तोहर जेबो। अरे भाई अब इतना कितना सोचबू तू, तोरा सोचे के चक्कर में हमार दम ना निकल जाए। जब इतना इंतजार कहले बड़ा तो थोड़ा और सही। कितना आप सुना? कितना? अच्छा 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 ठीक बा, हम बताई कितना। हाँ। उससे पहले हाँ। अपन शो के हाँ। स्टार्ट कर जाए, लेकिन बाद में सोचबू ना। पक्का? पक्का 100% तारा में भरोसा बा। हाँ तो चला शुरू कर जाए। हाँ। सज गइल बा खाड़ा, बेच गइल बा बिसात, ढोलक हारमोनियम करताल के ताल पर होखी बिरहा के बात, रउआ सबके बता सा चाचा और हॉट के कंजना सिंह के प्रणाम। हाजिर मानी लेके खाटी भोजपुरिया गीत संगीत के सबसे बड़का महासंग्राम बिरहा मुकाबला। और अब तनी उनकर स्वागत कर लेवल जाओ जे जीते वाला के दिहन बिरहा सरताज के खिताब, हमार बड़का भैया बिरहा सुल्तान विजयलाल यादव जी के। और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव जी के। और साथ ही जोरदार तालियां चुनौती गृह और प्रतीक्षा गृह में बैठल हमने के 16 महारथी लोगन के। चुनौती गृह में हमने के साथ बाड़न ज्ञानी यादव, प्रमोद लाल यादव, सरोज सरगम और सपना सरोवर। पिछला एपिसोड में हमने के ज्ञानी यादव और प्रमोद लाल यादव के परफॉर्मेंस देख चुकल बानी। आज सरोज सरगम और सपना सरोवर के बीच मुकाबला होगा। दोनों भैया से मिलल अंक के आधार पर जकरा सबसे कम अंक मिली वो मुकाबला से बाहर हो जाए और तीन लोग अपना पड़ाव में प्रवेश कर जाएंगे। अपन दोनों बड़का भैया से जानल चाह कि आज के मुकाबला उनका नजर में कितना टफ बा। सबसे पहले क्या बताई,
सबसे पहले हमरा के लगा था कि अपने बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश जी से पूछल जाओ। बताशा जी और जी, अंजना जी, जी आज के मुकाबला बहुत टॉप पा। ये चारों आदमी में एक आदमी बाहर हो जाये, ये से मामला बहुत टॉप पा। तो मामला तो टॉप बा, पूछल जाए। हाँ। बेरहा के सुल्तान विजयलाल यादव जी से बड़ा निश्चिंत होकर बैठल बाड़ी, ऐसा लगा था इनका पता बा कि बेरहा के सरताज के हुई। अरे ये सही रहा है। हाँ। संघर्ष जिंदगी के दूसरा नाम। ये बात खाली गायक का गायिका लोग पर नहीं खे तोरो पर बा। हाँ। संघर्ष करा जी, जे रही वो टाप हो, जे जाई वो टाप हो, लेकिन जे रही तो हम ई मान के चलब कि वो संघर्ष कर रहल बा, तैयारी कर रहल बा, आ जे जाई तो हम ई मान के चलब कि वो लापरवाही कर रहल बा। क्या बात है, बहुत बड़ी बढ़िया। यही लगले बधाइयो दे देता नहीं बिग गंगा के बिरहा जैसन भोजपुरी सोधी माटी के गीत के बिग गंगा पर फिर लिया के गांव के खेत खलिहान और मेड़ डांड़ का माटी का खुशबू पूरे दुनिया में लुटावे खातिर एक मौका मिलल बा। अब तो ये लोग के मेहनत पर डिपेंड करे। हे भैया, तो ये लोगन के तो बता दे हलो कि कितनी मेहनत करे बा। हम कितनी मेहनत करी, फेफड़ा फाय फाय करे लगल और ये तस मस ना होते। हम लोग को तनी टिप दे दो भैया। फेफड़ा कैसे फाय फाय करेला, ऐजा देखा। ऐजा से सीखा फेफड़ा कैसे फाय फाय होला। खाली खड़ा होके फेफड़ा फाय फाय होके लगला। चला तो अपन सो के आगे बढ़ावल जाए। तो सरोज सरगम और सपना सरोवर के बीच आज सरोज के बिरहा के सरगमबाजी या सपना के बिरहा सरोवर के लहर उठी। दंगल में आज दहाड़े खातिर रउआ सबसे पहले केकरा बुला रहल बानी? अब सरोज जी के मंच पर बुलावल जाई, सरगम सजावल जाई, जल्दी से आवल जाई ना, बिरहा सुनावल जाई। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरगम जी, एक काम करी, आज सुनो अब बिरहा का ऐसा सरगम कि मन एकदम झूम जाओ। अब ताली मार देता हूँ, शुरू हो जाओ। अजंदना भूमिका से बताओ एक पल कैसे मास्टर। लिए लाली मारस में अंबर में दिन कर, उदित देख भवरा मगन मुस्कुराए, लज्जित निशा संग रजनी है सिमटी, घूंघट में अपना वसमत छुपाए, दगी लाल सा दिल में यरमान जागे, चले भूप दशरथ बन गए शिकारी, सर पर मुकुट कर में ये धनुष बाण, में गए करके घोड़ा सवारी। ए हमें से कहानी के शुरुआत बा गजल में, बताओ एक पल कैसे। इतने करीब या के दगा दे गई मुझे, लेकिन बिरहा में कवि जी लिखे बल कैसे। अरे माँ सजा के दिल में, अरे अरे माँ सजा के दिल में अवधेश चलती है। चलती है
बेटा नरेश चल दिए समय के बा नजम से बताओ एक पढ़ल कैसे मास्टर गए जंगल बीची घोड़ा की सवारी थी करू शिकार दिल में बड़ी बेकरारी थी गए कुछ दूर एक मृग नजर आया गए गए कुछ दूर एक मृग नजर आया गए चढ़ाए चाप मृग देख के पराया गए कहानी हो समय के बा जोना समय राजा दशरथ शिकार खेले बदे जंगल की ओर गईलन एको शिकार ना मिलल धीरे धीरे पूरा दिन बीते लागल तब तक एक शिकार एक मृगा बगल से भागत जात बा राजा दशरथ देख के मृगा का पीछा कर लिए करते करते बहुत दूर चले गए जब राजा दशरथ के प्यास लागल फिर भी मुड़लना वो मृगा का पीछा करते करते बहुत दूर चले गए प्यास लगल प्यास के मारे छटपटा करके गिर पड़े लेकिन गीत लागल कमन गीत मास्टर वे गीत का गुरुदेव बड़ा जोर शोर से बजल हम फोना वाप के तना बताई लेकिन गीत से बढ़िया भाव में कवि जी के लिखे पल कैसे राजा बनावा में गैले मुरझाई के बचाई हो तरह के बुलाई हो राजा दशरथ प्यास के मारे गिर पड़ल बरन वही जंगल के तारुका वही रास्ते से कहीं जात बा जब राजा दशरथ के देखलस देख करके अवाक हो गई माया करू बना के पानी ला के राजा दशरथ के मुंह पर छीटा देलस राजा दशरथ के होश आइल पानी पियलन आंख से आंसू आवे लगल हे बेटी तू हमें एक नई जिंदगी दे लियो करे बदले में बेटा तुमसे कुछ मांग ले तारका ग्लस के होश में बोलो तुरी दया से हमके कोनो चीज के कमी ना हो हमें कुछ ना चाहिए लेकिन राजा जिद कर दिए जिद कर या लड़की तुम्हें कुछ मांगना होगा तारका ग्लस की इतना मजल बा तुरे इतना हिम्मत हो गई तो लो हम तुह से मांगत बनी तू हमें दो बताओ एक पल गीत लागल कवन गीत मास्टर गोरी माथावा पे घोड़ी ला उठाई के गोरी माथावा पे घोड़ी ला उठाई के जाली शर्माई के जाली सर मांगई के लेकिन तारुका बतौले बा का राजा बोला जानी राजा बोला जानी बतिया बढ़ाई के कही मुस्काई के कही मुस्काई के देबो ना राजा करण की बेटी तू मांग तो पहले
कलश की जा, हमके ज्यादा कुछ मर दिया जा, हमके 14 वर्ष खाती अयोध्या के राज दे दी। राजा यो मस्त करके अपने अयोध्या के नगरी में गईलन, गईला के बाद वो बात के भूल गईलन के से हम वादा कैले हई, के वचन देले हई, लेकिन तेरी मुताबिक पल कैसे। जहरवा भय जंगल की बतिया, अरे जहरवा भय जंगल की बतिया, राजा रात पड़ के भूले ला बिचरवा। अपने राज में जब गईलन वो बात के भूल गईलन, धीरे धीरे कुछ दिन बीत गई, ज्यादा समय बीत गई। तारुका सोचे लगल, करे राजा झूठे का वादा कैलन, हमसे झूठे ना वादा कैलन, कलन की 14 वर्ष अयोध्या के राज देव, अभी ले कोनो खबर ना आई। यहाँ के बातें अभी छोड़ दी, हर विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी के लेके, लक्ष्मण जी के लेके धनुष बाण सिखावे बदे अपनी कुटिया की ओर लेके गईलन। तारुका कलश कैसे काम ना चली, हमें कुछ करे के हुई, लेकिन पापा ने बतावे पल कैसे। जंगल में जग्य के मुनि राई बक्सर नगरी में, अरे जंगल में जग्य के मुनि राई बक्सर नगरी में, अस्ताज के तारुका की सेना गए आई बक्सर नगरी में। लक्ष्मण जी के लेके जब विश्वामित्र जी धनुष बाण जब जग करे बैठे, तो तारुका जग के भंग कर दे। धीरे धीरे विश्वामित्र जी परेशान हो गए, भगवान श्री रामचंद्र जी बुला कर, हे बेटा जब हम जग करे बैठे ली ना, तो तारुका मन के जग के भंग कर दे ले, ओके आज तो के मारे के होई, लेकिन आल हम बताबी पल कैसे। अपन सेना सजावत इधर, भगवान श्री रामचंद्र जगी करे जब लोग बैठल, तारुका जगी करे जगी के भंग करे जब चलल, विश्वामित्र इशारा किए, भगवान श्री रामचंद्र जी तारुका को धाराशाही कर दिए, छटपटा करके तारुका जमीन पर गिर गई और तड़पते हुए आवाज दिल के बेटा सुन, इशारा कैले के बेटा तू केकर लड़का आवा, कहां से आयल हवा। भगवान श्री रामचंद्र जी आवाज दिए कि हम अयोध्या रहे वाला ही राजा दशरथ की लड़का ही। तारुका का आंख से आंसू आवे लागल, लेकिन बतावत ये कैसे। जवने राजा दशरथ के बाड़ तू ललनवा, अपनवा में गईले एक दिन खेले के शिकार। तुहार बाप बहुत गद्दार बारन, हमें कुछ हम जन मंगली हमें ना देलन, इतना कह कर के तारुका अपना दम तोड़ दी। भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वकर्मा जी के बुला के तारुका के खोपड़ी के खड़ाऊ बनवा के रख देलन। यहाँ के बातें ही छोड़ दी, जौना समय भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास होत रहल, भरत जी के ना बर्दाश्त भइल, इशारा करन की भैया तू हमें छोड़ के चल जइबा, तू हमें छोड़ के चल जइबा ना, ई भरत द्वारे बगैर एक पल ना रह सकेला, आ नाम मनवती अपन खोपड़ी के खड़ाऊ दे देना, हम राज सिंहासन पर रख के पूछ पूछ के राज चलाई, कब तक, जब तक तू ना आईब, घड़ी बतावे पल कैसे। Thank you.
रुका के खड़ा हूँ। भगवान श्री रामचंद्र दे करके चले गए। इधर भरत जी वो खोपड़ी के खड़ाऊ के रख के राज सिंहासन पर पूछ पूछ के राज चलावे लगलन। कब तक? जब तक भगवान श्री रामचंद्र वापस ना अलन। यही से कल जला भाई ऐसन ही अन भाई ऐसन दुश्मन। अंतिम करी बताओ एक पल कैसे। गुरु बिहारी गुरु रमन श्याम सुभाष की बलिहारी तारुका के खोपड़ी खड़ाऊ रखा गई। आज अयोध्यावासी लोग बड़ी खुशियां मनावत बा। अरे वाह, भगवान श्री रामचंद्र गई लिया सास ना होत बा। गुरु बिहारी गुरु रमन श्याम सुभाष की बलिहारी साधना। जैसा नाम वैसा परफॉर्मेंस। बाप रे बाप, गजब गजब का। सरोज सरगम जी खातिन जोरदार तालियां। सरोज सरगम के बिरहा गायकी रोवा दोनों के कैसे लागल? सबसे पहले हमके लागा था कि सुल्तान भैया भाई हैं। अंजना जी का कहता नहीं? जी तो चलिए पूछा जाए, बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव जी को हमारी सरगम का परफॉर्मेंस कैसा लगा? वाह क्या बात है, बड़ा सफाई से बड़ा खूबसूरती से कहानी के भी क्रिएट कर दिली है और समय का भी ध्यान रख ली है। स्वर आ लहर सब अपने जगह पर ठीक रहा। बहुत बहुत हार्दिक बधाई बा हमारा तरफ से, और मेहनत करा तो से बड़ा उम्मीद बा भी रहा के। बहुत 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 उम्मीद बा। हाँ तो विजय जी के कमेंट्स तो आपको मिल चुके हैं, चलिए चलते हैं अपने बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव जी के पास में और उनसे पूछते हैं कि सरगम जी का परफॉर्मेंस उनको कैसा लगा। ये तो वोजा के चीज गौलिया जहाँ हमार घर बा, बक्सर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण के तपोभूमि है, वोजे शिक्षा मिल रही लोग के। गायकी में बहुत कुछ बारीकी से अब ध्यान दिया ही। ये ना कि जहाँ करुण के भाव ओजे ताली ठोक दिया ला। बिरहा में हर विधा बा तो हर चीज के ध्यान देवे के बा। का हो बताशा भाई जी? भैया तो ई बहुत हमार शुभकामना बा। अच्छा। ई लड़की बड़ी सुंदर गौली है, भगवान करस इनकर गायकी यही तरह चलत रहे। लेकिन एगो सवाल ही पूछल चाहता नहीं हम कि तोहार का भाई का बताई? मौर बान के घूमत नहीं, कपड़ा पे कपड़ा बदलत नहीं, ये टस से मस्त नहीं की हो। कपड़ा बदलने से कहूँ इंसान बदले ला का? देखा इतना वजन कम भइल पिछली बारी ऐसे। अंजना जी अब दया कर दो। ऐसे सुना वो जमाने में देखल रही जमाने का कि जब गोहराउल पर जहाँ गोईठा छुपा है ऊपर जब लुगा फेंक जाओ तो आदमी देख के वही के मटकी मारत रहो। पहले तो ये बताइए कि गोईठा क्या होता है? गुड़ गुड़ गोबर हो गई। गलती तोहरे है, तू मतलब घर से चलना तो गोबर लेके चल ले। छेड़ बकरी मुर्गी गोबर अब वो भुला गई नहीं। कौन बात? गोहरा गोईठा जौने गैया के घी को होम होला, वही गैया के गोबर से गौरी गणेश बनेलन और वही गाय भैंस के गोबर से हमनी के घरे पर जो चूल्ही में आगी बार के खाना बन जाला। लिट्टी चोखा हर खाना। हाँ। ओकर दाल भी स्वादिष्ट, ओकर चावल भी स्वादिष्ट, आलू भूज जाई तो कबू के आई हो दादा वैसे बढ़िया कोनो फल नहीं खे। हाई गैस वाला खाली गैस का बीमारी। गैस वाला खाली गैस बना ले पेट में। ठीक बात तो बुझा गेल हमरा के की गोईठा का होला। सोचा तनी गंभीरता से सोचा। हाँ। और बाऊ का तनी जी तो बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव जी और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव जी सरोज के कितना अंक देले बाड़न ई एपिसोड के अंत में बतावल जाए। ओके। सरोज खातिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हे अंजना जी। हाँ। रात में भचुआ के उठ जाइल। जब जब हम आंख बंद करी सोई देखी ला कि तू सपना में आ गए।
सुनो तोरा सोचे में टाइम लागी हे अपने नकिया के नक बुलावा दे दे तू छतिया से लगा करती हम सो जाती बड़ा दिन से पीछे लागल बड़ा बड़ा चिरौरी करत बड़ा तब विजय जी का कहता नहीं दे दी मन तोहर भाई दिखाए ओकरे ऊपर तो ध्यान बहुत लोग का बा हे भैया नगुल्ला लेने वाला की कमी तोरे खातिर छूट बा दोस्ती में दगा दे दा, दे दा। का हो दे दियल जाए सब हाथ उठा दे सब हाथ उठा दे हाथ उठा दे चला फिर दे ही दियल जाए हाय 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 अच्छा एक बात हां ई नगुल्ला जाना तड़ा हां हमार मतलब खाली नगबुल्ला ना हा अच्छा ये में हमार प्राण बसेला ये हमार दिल हा त करा के तनी संभाल के अरे के छोड़ा ये खाली तोहार प्राण ना हो अभी तो हमरो प्राण हो चुकल बा लेकिन प्राण के अपने प्राण में डार के हम ओइसन रक्षा करब इस समझ लगे हम का बताई उकुल तो ठीक है बा लेकिन हमरा के पता नहीं काहे भरोसा नहीं के हो रहल बा ये आदमी बड़ा कंजूस बड़ा ना ना। हमारा नगबुल्ला उतार के कहीं किसरती के ना दे दे भरोसे का दूसरा नाम है बतासा लेकिन सोची हा, हाँ तने जल्दी सोची हा बाबू ठीक बा सोचल जाए चला अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए जेकर आवाज और अंदाज हो की खाटी बेरहा में ओकरे बाजी लाठी हे भैया हमारा तो मिल गई माल रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया खाटी गीत संगीत का सबसे बड़का महासंग्राम बिरहा मुकाबला बिरहा के अखाड़ा में अब अपन चुनौती देवे के बारी बा सपना सरोवर जी के इनका खातिर बाबू एक जोरदार ताली तो तुहरा नाम सपना बा जी ओ भैया इनका नाम हो सपना और हमार पूरा हो गया सपना और हर सपना पूरा करे खातिर अपना आप के झोंक देवे के पड़ेला जैसे हम झोंक देनी गांव से यहाँ चले जानी मुर्गी मर गई छेड़ी बेच देनी बकरी बेच देनी भैंस बेच देनी अब लगा तो खेतों बिकाई आज फैसला के दिन बा बाबू तो जीत खातिर अपना आप के झोंक दो और सबके रास्ता रोक दो ए बाबू सपना मर तक तक न्याय सबको मिले राम के राज्य में इस तरह की व्यवस्था बनाई गई जो भी दोषी मिले दंड होगा उसे बात राजा प्रजा को बताई गई चल रहा था प्रशासन अमन चैन से लूटते थे सभी जिंदगी का तो विधवा भागन की होगी सजा बात उहे से बतावे जाते जहां से सरोज जी खत्म कैली है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास बिताई के वापस अयोध्या नगरी में आयल हुआ आज राजा घोषित कैल जात बा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ऐलान कर देहलन कि हमरा राज्य में केहू केहू के सताई ना अगर केहू ऐसन करत हा तो ओकरा के दंड मिली वहाँ के भी गईली है इतना करीब आके दगा दे गई मुझे हम एक डुप्लीकेट गावत है कैसे मास्टर साहब जालिम है जमाना जरा संभल के चलो ना जालिम है जमाना जरा संभल के चलो ना लग जाएगी नजर नकाब ठक के चलो ना लग जाएगी
मस्ती भरी जवानी में धोबिन मचल गई। कर पाई नहीं काबू आखिर फिसल गई। ओ ही राज्य में रहे वाली एक थे धोबिन है, जवानी का अवस्था में वो धोबिनिया जवानी बर्दाश्त ना कर पैलस, कौनो मनई से नैनाचार कर लेलस। आ जब नैनाचार कर लेलस, मालिक का मर्जी कुदरत का देन, ओह धोबिनिया का गर्भ ठहर गई। आ जब ठहर गई ले बात का खबर धीरे धीरे राजा साहब मर्यादा पुरुषोत्तम जी के पास गई। जब उनकरा पास यह बात का खबर गई तो ओह समय भाई का मास्टर साहब नजम है। अवधपुरी में राम राज की कहानी है, विधवा धोबिनी ने कर दिया नदानी है। लगा दरबार धोबिनी को वह बुलाए है, सजाए मौत का आदेश वह सुनाए है। आखिरकार अवधपुरी में जवनी समय मर्यादा पुरुषोत्तम से राम जी के यह बात का खबर गई बा, ओह समय दरबार लगेले हमन, धोबिन को भी बुलाते हैं। आज जब बुलेला ने भैया धोबिनिया से कलंक सुना हो, राज्य में कलंक तो लगाइए दहलू, लेकिन अगर तोहर बेटा होई पूछिए माई हमार बाप का नाम है तो का नाम बताइबू। धोबिनिया खड़ा हो गए कहलो से सरकार हम एक बात आपसे कहल चाहतनी, सुनी न्याय तो आपे के करे के है। वो धोबिनिया कहलस का मास्टर साहब गीत बदल गए। सरोज जी खातिर कहना है, मन के बढ़ावा जन तू खोज कजरावटा, मन के बढ़ावा जन तू खोज कजरावटा, यार खोज कजरावटा, हाथी हा बलमुआ के चला दे छनौटा, आज बाबूजी एहवर धोबिनिया बतावत है सरकार। सुनी ना रउआ पिताजी का नाम दशरथ रहल है, उनकर एक को लड़का फैका ना रहलन, खीर खा के अब चारों भाई का जन्म बतावल गई। आखिरकार बाबूजी इतना सुन के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सोचे पे मजबूर हो गई लन। लेकिन बाबूजी इतने ना बतिया के सुन के हनुमान जी गदा लहरातलन, कहलन ए धोबिनिया सुनु हमार नाम हनुमान, ऐसा लात मारब ना कि जाके एक हाथ नीचे जमीन में धस जाइबी। धोबिनिया कहल से सरकार सुनी ना हम हाथ जोड़तनी, लेकिन कहल जाला ना कि आप का जन्म का बयान हम जाना था, घबराए का बात ना बा। सुनी ना घबराई मत हम बतावतनी, कहना मास्टर साहब धोबिनिया बतैलक पहपट लेला। सच्चाई सुन के गईला गरमाई बाके बजरंगी, अरे सच्चाई सुन के गईला गरमाई बाके बजरंगी, आई अपने बाप के देव नाम बताई बाके बजरंगी, सुत पवन सुत बाटा जग बंदन, असंकर सुवन और केसरी के नंदन, तचारों में से असली दो बतलाई बाके बजरंगी। कहलन मुड़ी नीचे हरे हमरों के फसाई लगत है, का बताई। लेकिन जब आ गए हवन अखाड़ा में तो उनके कुछ न कुछ बात तक कर ही के हा। कल सरकार ही सुनी रवि सुत पवन सुत शंकर सुवन
आ केसरी के नंदन कहाई ना रोवा बताइए कि आप कहीं चारों में से असली पिता के है कलन आइला अब न बना लब्बे बना ये तो हमरों के फसाई दलस धीरे से मुड़ी घुमाइले हम सोचत हमन अब का कही लेकिन धीरे धीरे जब मन में गुमान कैलन सोचत हमन कि आखिर लगत हमरों के फसा दी जब इतनी बात उ सुनले हमन हनुमान जी तो भैल का मास्टर साहब आल्हा हा एतना सुनत गदा छूटल हथवा से भैया बतिया नयावे कॉपी भैले होला चा दबिनिया कहला से सरकार बताई ना जल्दी मुहावा खोली कुछ बोली ना कहलस कि सरकार लगत ना बोलियन शर्मात हुआ कल इतनी बात जब सुनलन साचो में हनुमान जी का बुद्धि कुल फेल हो गई जवन गदा ले ले रहलन उ गदा हाथ से छूट के गिर गई आ जब हाथ से छूट के गिर गई कहलस दबिनिया ये सरकार फिर आ गई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के है कहतिया एह महफिल में हम बानी एह दरबार में हम बानी हम मानत है कि हमार बेटा होई तो हम नाम ना बता पाई वो करे बाप को लेकिन बताई जाना जेकर जेकर प्रश्न कैले बानी वो लोग बताई जाना कि आप लोगन का असली पिता का नाम है। राम जी कहत हुवन कि लगत है कि सही में बचिए जाई कहतिया धोबिनिया खड़ी है बोला रघुबर के कर अब लगई बफसरी त कैला सांदोलन धोबिनिया यवध के नगरी सरकार बताई ना अब केकर केकर फसरी लगाई इतना बात सुन के रघुवीर जी कहलन का कहलन त कहे रघुराई नहीं लगी है फसरिया अभी को विधान नहीं है मान लगु जरिया तभी लिखल दुनिया में अब कई से डरी इतनी बात के सुन रन रघुवीर जी कहलन सुना सही कहल जाला कि भाग्य में जवन लिखल रहेला उहे होला आखिरकार कहलन कि सुना तारा भाग्य में अभी मरे के ना लिखल है अभी जिए के लिखल है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी इस बात को सुन कर के आदेश दे दिए कि इस धोबिन को छोड़ दिया जाए आदेश मिलल धोबिन छूट गई ए भैया यही से हम बताई ना कि माता सत्य और पिता विश्वास हुआ करते हैं ऐसे कि माई कही कि ये बेटा तो हार बाबू है ये हवन बेटा के माने के पड़ी कि हमार बाबू ही है हवन लेकिन कहना है अंतिम लाइन में कहना है गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी कथन करे कभी राम नरेश रामायण कुंजी छानी महफिल में तब सन्नाटा छा गया ए भैया महफिल में तब सन्नाटा छा गया त सपना राम नरेश के सारद ज्ञान पाटा महफिल में तब सन्नाटा छा गया
परफॉर्मेंस है। बहुत अच्छा बाबू। सपना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और चलिए जाना जाए अपने सुल्तान और अपने शहंशाह जी से कि कैसा लगा सपना जी का परफॉर्मेंस। तो हम पहले पूछे के चाहता नहीं अपने बिरहा के सुल्तान विजय लाल यादव जी से। वाह बहुत बढ़िया, स्वर हिलत जरूर रहल है लेकिन महसूस ना भइल है, लोग बड़ा इंजॉय कइल है, ऐसन प्रस्तुति होखे के चाही। हमरा तरफ से हार्दिक शुभकामना बा, वजन का जरूरत नहीं थे, बस आराम से पहुंच जाओ वही का जरूरत। चलिए तो पूछते हैं अपने बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव जी से कि उनको हमारी सपना का सपनों वाला परफॉर्मेंस कैसा लगा। इनका नाम का बा सपना सरोवर, सपना आ सरोवर माने तालाब होला। सब कुछ इनका अच्छा रहा लेकिन अभी गायकी में बहुत कमी बा, कमी सबका में रहेला। बिल्कुल कौनो एकरा से घबराए के नहीं खे, ई सोचे के बा कि पूरा कैसे हुई कि कितना मेहनत करी कि ये कमी के पूरा कर ली। जितना सुंदर इनकर अदायगी बा उतना सुंदर गायकी अगर रही तो चार चांद लग जाए। भैया सपना के एजा तक पहुंचे के सफर बहुत मुश्किल से भरल बा, लेकिन बहुत गरीब परिवार से हो, मतलब इतना गरीब परिवार से हो कि एकरे लिए ये सब सोच पाई बड़ा मुश्किल हो। ओकरे बाद ही लड़की अगर यहाँ बम्बई के मंच पे बा तो एकरे खातिर लड़की के बहुत बहुत शुभकामना और जोरदार ताली। तो अपना बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे पहुँचनी यहाँ तक। सर जी हम यहाँ आवे के तनको सोच भी ना सकत रहनी, लेकिन जब ऑडिशन भाई सिलेक्शन भाई तो हम एकदम मस्ती से झूम उठनी, हमके विश्वास न रहा। मम्मी के पास जाके पैर छूनी कहनी मम्मी हमार सिलेक्शन हो गए, मम्मी के ना विश्वास भाई, लेकिन फिर भी पकड़ के अखबारी में लगली रोवे ऐसे कि हम यहाँ तक जब बिरहा गावे लगनी तो बहुत लोग हमके बहुत कुछ बोलन। हमार चार बहन नहीं जा, तीन बहन का शादी तो कैसे हो गई, लेकिन हम अपना पढ़े खातिर के अपन परिवार के संभाले खातिर के लाइन में नहीं है। हमरा पास खेत बारी घर द्वार कुछ ना बा, यहाँ तक कि घर भी हमार बहन के शादी करे खातिर बिक गेल बा। सबसे बड़ी बात जो सपना ने कही कि घर से निकलते वक्त सपना ने अपनी माँ के पैर छुए। वो पैर छूने के बाद अब आप पीछे नहीं जाने वाली हैं, आपको दुनिया की हर खुशी मिलने वाली है। आज आपको बैठ के वो लोग देख रहे होंगे और प्राउड फील कर रहे होंगे, और ये आंसू नहीं। सुनो दोस्त, अभी जो किया है आपने एक बार वापस, तू चाहे जीतूं और चाहे हारूं, हार जीत मायने ना रखेला ना, लेकिन तू ही मंच पे आके अपने आप में एक विजेता बन गई। अपना पर विश्वास रखा, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी कुछ है बंदे से कि बोल तेरी रजा क्या है। क्या बात, वाह। ये भैया इस सिचुएशन पे वो बड़ा अच्छा गाना दिनेश भैया के सिनेमा में रहे कि देखनी ना माई तोहके आ देखनी ना बाबूजी के पेटवा में बानी मजबूरी रे, हमरा के मारू जानी पेटवा में माई कहनी हम कवन कसूर रे। एगो बात हम कहल चाहतन ए लड़की पर, तू गरीबी से उठल बड़ू, हमार तो बाबू 1.5 रुपया रोज पर मजदूरी करत रह। हम तो स्टेज से बोली ना कि हमार बाप 1.5 रुपया मजदूरी करे वाला के बेटा ओम प्रकाश आज एवना मंजिल तक पहुंचल बाटे। अंजना जी रोल ना जला बेटा, मन में बात बहुत बा, भाव बहुत बा, लेकिन बस इतना ही कहब कि बेटी तो कमल कली है, गोदी में किसी के खिलती, बनती है पराई दौलत, खुशबू गैरों को मिलती। बेटी पर उपमा हमारे प्यारलाल कवि जी ने लिखा है कि पनिया में फुलवा तैयार हो जाला, दूसरा के लिए उपहार हो जाला, अजन माली सींचेला माली वाला घरवा अनहार हो जाला, दूसरा के घर गुलजार हो जाला,
ज्यादा इमोशनल भेला के काम नहीं खे, सम्मान अपना बाबूजी का, अपना माई का, अपना खानदान का लेके निकलल बाड़ू तो बचा ले बाड़ू। और वही जा इहो गीत गवा ले, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, सुन ले बड़ा ना जी भैया एकदम। तो अब हम गाइला मंच पर कि मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी हुई फौज में भर्ती, मेरे देश की लड़की क्या बात है। एक बार खड़ा होके अपना जगह पर सबके ताली बजाई जोर से, दोनों हाथ ऊपर भाई जोर से गड़गड़ा के ताली बजाई चाहिए। और एक बात हम कहे चाह भैया, अगर बेटा डिप्टी कलेक्टर बन सकेला तो बेटी सपना बन सकेनी। यह बेटी कल्पना चावला बनेली, यही बेटी इंदिरा गांधी बनेली। बिटिया और बेटा में फर्क मत करिया, हाथ जोड़ तनी बाबू, आवे दा धरती पे ये भ्रूण हत्या के खत्म कर दा, बेटी बचावा बाबू और बेटी पढ़ावा। ये लड़की का एक बार हृदय की छू देना से तब वहां से हमनी के चले के पड़ल, ये हंसा के जा हंसावे के का बा, दुलार ह प्यार ह अब रोजो करबू, हाई कौना मझधार में पड़ल बड़ी नहू के विषय में सोचत तारू तो अंजना से जाके सिरौरी को के इनका काहे ना मामला सॉल्व करता हूं। हमनी के जिंदगी में मुश्किल तो बहुत आवेला, लेकिन हर मुश्किल के पार करके जे आपन रास्ता बनावेला उहे आगे बढ़ेला। सपना खातिर एक बार जोरदार तालियां हो जाए, रहो आपन साथ पे जाके रहते हैं। जा बाबू वाह। ओ फैसला के घड़ी आ गईल बा, जब जीत के साथ साथ आज तीन महारथी आगे बढ़ जाइयन और कोई एक मुकाबला से बाहर हो जाइयन। बिल्कुल, तो जिनका सबसे ज्यादा अंक मिली उनका मिली जीत का पगड़ी। चुनौती गृह में मौजूद ज्ञानी यादव और प्रमोद लाल यादव पिछला एपिसोड में एक दूसरा के चुनौती दे ले रहलन। आज सरोज सरगम और सपना सरोवर के बीच कांटा के मुकाबला देखे के मिले। विराज सुल्तान विजय लाल यादव जी का फैसला हमनी के हाथ में आ गई बा। फैसला सुनाने से पहले अंजना जी, जी हम जानल चाहब आपन दोनों बड़ भाई के विचार। हाँ, तो बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव जी से पूछल जाए कि का लागता। ई कुर्सी बड़ा गरिमा के कुर्सी बा, और सब कुछ देखते हुए एक कुर्सी पर बैठ के जो हमनी के फैसला दे देले बानी जा, ऊ रहुआ के हाथ में दे दिहल बा, रहुआ दोनों आदमी पढ़ के सुना दी। हमार सुल्तान भैया, रहुआ हरी झंडी दिखाई तब न कुछ होई, अपनो विचार बता दी। देखे चारों कलाकार जन बैठल बड़े तनको हिले लायक चारों कलाकार नहीं कर, हमनी के अपन प्रेरणा मान के लोग गायकी के क्षेत्र में कुदल बा, हमनी के आशीर्वाद बा गावस बजावस लोग। और ये स्थान का गरिमा रखते हुए जौन फैसला देहल गई बा, वो फैसला के सुन के तनको विचलित भैला के काम नहीं खे, चाहे जेकरा पक्ष में होके या विपक्ष में होके, हिम्मत और हौसला बुलंद रही तो मंजिल कदम में हुई। अंजना जी, जी अब देर मत करी, बुला ली सबके। तो चुनौती गृह में मौजूद चारों महारथी से रिक्वेस्ट बाकी मंच पे आए। आए आ जाइए भैया, पगड़ी लेके आजा भैया। अरे वाह अंजना जी, जी पगड़ी हमारा हाथ में आ गई बा, रिजल्ट रहुआ हाथ में बा, देख के बताई जेकर सबसे ज्यादा अंक रही बाबू वही के सिर पे ही विराजमान हुई है पगड़ी महोदय। तो हम ये चाहता नहीं कि रुआ नाम बता दी कि आखिर केकरे सर पे शोभा दे है। पगड़ी आप चारों में से किसी के भी सर पे जाए, बिल्कुल इसका सम्मान और इसकी लाज रखना आप लोगों के हाथ में है। चूंकि हमारे यहाँ सभी एक से एक बढ़ के धुरंधर बैठे हुए हैं, सभी ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस दी हैं, बाप रे बाप, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन ये तो शो है, यहाँ पे कोई बहुत अच्छा कर जाता है, कोई थोड़ा सा कम कर पाता कर है। तो अब समय आ गया है बताशा जी, अब रहस्य खत्म करा और जल्दी से बतावा, फटाफट बतावा, ना तो पकड़ी हम पहन के तुम्हारे बगले खड़ा हो जाए, बता दे जल्दी से बता। अब महान और बड़ा घड़ी आ गई बा, ई बतावे के कि ई पगड़ी के पहनी।
सर पे ये पगड़ी जाई और सजी उनकर नाम है बनारस के पहलवान ज्ञानी यादव। बाप रे बाप। भैया इनके पास सुरक्षा कवच भी रहे और सबसे ज्यादा अंक लेके ये पगड़ी का हकदार भइलन। हे कितना बड़ा नसीब वाला आदमी हवा तू, तो के मालूम नहीं खे यही पगड़ी खातिर यूपी से बम्बई चली आई नी, संघर्ष करनी हम, पीछे पड़नी हम, फूल बिछौनी हम और पगड़ी मार हलनी। ए बहू पार गईला एकदम नंबर वन, जा बैठा। जोरदार तालियां हो जाए ज्ञानी जी के लिए। अब मंच पे बचल बाड़े खाली तीन लोग, ये तीन में से आज एक हमार साथ छोड़ के चल रही है। बोला भाई के रहे कहो के जाए कहो। आज हमारे बीच से जो इस मंच को छोड़ के जा रहे हैं या जा रही हैं, कौन है वो? सपना सरोवर या सरगम या फिर प्रमोद लाल? इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ लेकिन एक बात हो, इन तीनों में से जे भी जाई दिल छोड़कर जरूरत नहीं है, संजीवनी बूटी शक्ति उसके पास रहेगी। हाथ दूजे ने बैठल बड़ा उनके लगे रही, वो तोहर लगन के पिछला दरवाजा से बुला सकेलन, इतना पावर बाउंड के लगे। संजीवनी शक्ति ऐसन शक्ति है हाँ कि लक्ष्मण जी बच गए। हाँ आई बिग गंगा के सेट पर भी संजीवनी शक्ति तैयार बा, आपन आपन तैयारी और मनोबल गिरुला काम नहीं खे, भिड़ल नहीं सबे, संजीवनी शक्ति हम दोनों भाई के पास बा। तही के साथ अब हम बतावे के चाहता नहीं कि आज हमरा के जो छोड़ के ये मंच के छोड़ के जा रहल बा ऊ बाड़न। तो भैया जे मंच छोड़ के जा रहल बाड़न ऊ बाड़न, अरे भाई हो ना बाड़न रहे दा तोहरा से ना होय ना बोल भाई, मोर घबरा तो ऊ बाड़न या बाड़ी। सपना तुझसे बड़ो। की मन से हमनी लोगन के छोड़ के जा रहल बाड़न या बाड़ी। प्रमोद लाल यादव जी, एक बार प्रमोद लाल यादव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनके लिए जोरदार अच्छा ताली। परफॉर्मेंस किया इन्होंने। अंजना जी, ये मंच छोड़ल ना जी, एक छोटा सा विराम, थकाई बस सिंह जरा आराम करेगा, मन में भाव रहे, तैयारी अपन बरकरार रखिया, घरे जाए खातिर छुट्टी नहीं की, कपो हमने के बुला सकल जला आ केहू के बुला सकल जला। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। प्रमोद लाल यादव आज मंच छोड़ के जा रहल बाड़न, एगो बात हम बतावल चाहतनी रउआ सबसे, सचिन तेंदुलकर जब खेलत रहलन त ई कोनो जरूरी ना रहे कि रोज उ मैन ऑफ द मैच होखस। बिल्कुल बात बान, मतलब कबो कबो जीरो पर भी आउट, कबो जीरो पर भी आउट हो जाए। जीरो में थरा भला, जीरो पे ही प्रमोद लाल नहीं खा 25 बनावले हो। प्रमोद लाल जी हमनी के पास एगो मंत्र संजीवनी बा, जेवना मंत्र संजीवनी से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए रहलन तो उनके पिया दिहल गए तो लक्ष्मण जी जिंदा हो गए लन, तो वो बाय अभी हमनी के लगे सोचल जाई ओइसन तोहरा बारे में। प्रमोद भैया आप ही रहा, आप दोनों जने जा बैठा कुर्सी पे। प्रमोद बाबू जी सर, योद्धा बा तू महाराज, देखा तब हम तो रोज हारी लता बोल लड़त रही एकदम, देखा बानी एकदम सेंटर धोर्रा पे बोला। आज इस बिग गंगा चैनल पर बड़ा भाग्य रहा कि गुरु जी लोग का आशीर्वाद, ये जनता का आशीर्वाद लगल कि जब बनारस में ऑडिशन होत रहल तो हम ही ना सोचले रहली कि हमार सलेक्शन होई,
लेकिन विश्वास के साथ ऑडिशन देहली एकरे बाद बड़ा खुशी भइल। काहे से कि आदमी के जीवन में बड़ा संघर्ष आवेला, गुरुजी लोग गावेलन, काहे से जब छोट रहली बिरहा सीखत रहली बतासा चाचा जी, तो इन लोग का एक एक शब्द, क्योंकि एक एक सीढ़ी से चढ़ल आदमी। गुरुजी बतौलन है कि सचिन तेंदुलकर जी कबो कबो जीरो पर आउट हो जात रहे, कबो कबो इंडिया टीम फाइनल में हार जात रहे, तो वो हारना वो जीत होला, हार में ही जीत होला, जीत में ही हार होला। वाह, तो हे बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपका। हम तू कहाँ जाता रू? हमू आत रहनी छोड़। काहे जात रहलु है? काहे तू छोड़ काम? तोहरा खाते ने को बात कह जाता नहीं कि गर्बिन मांगे है मिल जाएगा तो ले लूँगा। क्या? दिल। अच्छा। गर्बिन मांगे ही मिल जाएगा तो ले लूँगा, मांगूंगा तो नजरों से उतर जाऊंगा, और नहीं मांगूंगा तो कुछ और निखर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ थोड़ी हूँ जो बिखर जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। अरे बताशा भाई सुना। हाँ जी। मने अब तो विदाई के टाइम हो गई, अब हमने तो कुछ दे खाली नकबुल ले लेके जिये हम। बता दे। मिली मिली। हाँ तो भैया लोग यही के साथ आज वक्त हो गई बा रउआ सबसे विदा लेवे के। अगला हफ्ता बिरहा के नया गीत, नया चुनौती और नया दाव के साथ हमनी के फिर मुलाकात होगी। आपन बतासा चाचा और आपन हाथ के कंजना सिंह के इजाजत दी और देखत रही भोजपुरी खारी के संगीत के सबसे बड़ा महासंग्राम बिरहा।